तो साहब टूलकिट ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की बहस होनी चाहिए और जिसके लिए राहुल गांधी तत्काल तैयार हो गए हैं। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। इसी पर है आज का बहुत छोटा सा वीडियो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब टूलकिट ने एक नया शगुफा छोड़ा है, अजीब अजीब शगुफे छोड़ रहे हैं। पहले कहते थे इंडिया अलायंस के लोग, देखो भाई हम ये बात बता दें, हम जेल से नहीं डरते, हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, यही बोलते थे ना। और अब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई हमें अगर वोट नहीं दोगे ना तो ये हमें वापस जेल में भेज देंगे। और आपके मुख्यमंत्री ने क्या बोला इंडिया अलायंस में होते हुए, ये भी सुनवाऊंगा। तो साहब ये नया शगुफा लेके आए हैं, खामखा एक ठहरे हुए समंदर में पत्थर फेंक रहे हैं सोच के कि इससे सुनामी उठ जाएगी। तो साहब तुम बहस करोगे नरेंद्र मोदी के साथ, 2001 में बंदा मुख्यमंत्री बनाया जाता है गुजरात का, कोई भी गवर्नेंस का अनुभव नहीं था, उसके तुरंत बाद गुजरात में दंगे हो जाते हैं। 2002 में लंबे मार्जिन से ये आदमी मुख्यमंत्री बनता है, 2007 में मुख्यमंत्री बनता है, 2012 में मुख्यमंत्री बनता है, फिर अपनी सेफ सीट छोड़कर आज बनारस आपको सेफ लग रही है भाजपा के लिए और हर चीज के लिए। जब 2014 में ये बनारस लड़ने आता है ये राजनीति का शेर, तो बताओ उस टाइम उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी। योगी तो 2017 में आए थे भाई, भाजपा का गढ़ तो ये 2017 से बनने शुरू हुआ है। तो 2002 में जिताता है, 2007 में जिताता है, 2012 में जिताता है, दावेदारी डालने के लिए ये बंदा गुजरात से चलकर बनारस आता है, वहां भी जिताता है, यहां भी जिताता है, वहां फिर से मुख्यमंत्री जिताता है, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री जिताता है। और अबे राहुल तू 17 साल के अपने करियर में 57 चुनाव हरा चुका है यार, क्या ये आदमी तुझसे बहस करेगा। राहुल गांधी जब इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी 1989 से लेकर 1999 तक, तब कांग्रेस लगभग औसतन 450 सांसद लड़ाती थी। 2014 में तुमने सांसद लड़ाए 417, 2019 में तुमने सांसद लड़ाए लगभग 420 और 2024 में तुम सांसद लड़ा रहे हो 325। ये है कांग्रेस की औकात तेरी लीडरशिप में, और तू उस राजनीति के बब्बर शेर से डिबेट करने की बात कर रहा है। वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे इस मारे सिर्फ डिबेट करे क्योंकि तू गांधी है, या तुझसे इस मारे डिबेट करे कि तू 4000 किलोमीटर चला है। सिवाय इन दोनों चीजों के तेरे पास क्या कुछ ऐसी चीज है कि राजनीति का बब्बर शेर अपने को उसी पिंजड़े में पाए या उसी इलाके में पाए जिस इलाके में तू है। अरे बेवकूफ आदमी, शेर का भी एक इलाका होता है, वहां पर लकड़ भग्गे और गीदड़ नहीं घुसते। उत्तर प्रदेश राहुल गांधी जो तुम्हारे परिवार की राजनीति का गढ़ रहा, तुम्हारे पिताजी की राजनीति, तुम्हारे नाना जी की नेहरू जी की राजनीति, तुम्हारी दादी जी की राजनीति, तुम्हारे चाचा जी की राजनीति, तुम्हारी राजनीति, वहाँ 2017 के चुनाव में तुमने पार्टी को 2% की पार्टी बना दिया, 2% की, वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे चुनाव लड़ेगा, तुझसे डिबेट करेगा। 400 सीट से तूने अपनी पार्टी को 40 सीट पर पहुंचा दिया राहुल गांधी, वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे डिबेट करेगा, तो खुद बता वो क्या तुझसे डिबेट करेगा। टूलकिट को चलाना भी तुम लोग घबराहट में भूल गए हो कि टूलकिट चलती कैसे है। इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री भगवत मान से जब पूछा गया रैपिड फायर में, तो क्या कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है, तो सुनो क्या कह रहा है भगवत। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, दिखाएंगे भी नहीं। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी से 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं, अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है।
जिस इंडिया अलायंस में तेरी ऐसी इज्जत है, क्या तुझसे राजनीति का बब्बर शेर बहस करेगा? राहुल गांधी, तू सिर्फ बहस इसलिए चाहता है कि इस बहस से तेरा कद बढ़ जाए। तू सिर्फ बहस इसलिए चाहता है, टूलकिट के जरिए तूने ये शगुफा छुड़वाया है और तुरंत हाथ उठा के मान गया है। तू इसीलिए ये बहस चाहता है क्योंकि ये साबित हो जाए कि अगर कहीं धोखे से इंडिया अलायंस हारती है, पर बहुत बुरी तरह नहीं, थोड़ी बेहतर तरह हारती है, तो तुझे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। राहुल गांधी, इस राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा जब तू अपनी घर की विरासत में जो तुझे पार्टी मिली थी, तुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया और तू वो नहीं संभाल पाया और तुझे उससे शर्मिंदा होकर विड्रॉ करना पड़ा। राहुल गांधी, तू अमेठी का भगोड़ा है, क्या ये राजनीति का बब्बर शेर जो जीतता जीतता गुजरात से बनारस तक आ गया और तू अमेठी में हार गया, क्या ये राजनीति का बब्बर शेर तेरे से यार बहस करेगा? सोचने बोलने से पहले सोच तो लिया कर यार। ये बहस सिर्फ सिर्फ नहीं, सिर्फ तुझे एक अपना कद बढ़ाने का एक बहाना है। क्या तुझको इंडिया अलायंस ने भी अपना कन्वीनर माना, अपना नेता माना, अपना पीएम कैंडिडेट माना जो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? क्या तुझे कांग्रेस ने इस लायक माना, डिक्लेयर किया कि ये राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? अबे कांग्रेस का अध्यक्ष खारगे को बनाना पड़ा, तुम्हारी विरासत में जो तुम्हें पार्टी मिली थी थाली में, चांदी की थाली में परोसकर, ये तुझसे बहस करेगा? तू 750 करोड़ के गबन में बेल्ड आउट है, ये राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तेरा मेंटल आईक्यूमेन इकोनॉमिक्स को लेके क्या है? इकोनॉमिक्स को लेके पहले साथियों ये देख, और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा, और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम एक साल में 1,00,000 रुपए देंगे तो वो जाएगी, वो उसे खर्च करेगी, साड़ी सैंडल मेकअप मोबाइल टीवी वगैरह खरीदेगी, जिससे उद्योग चलेंगे, जिससे रोजगार आएगा। पर तू ये नहीं बता रहा कि 8 करोड़ गरीब महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देने का धन आएगा कहां से, 8 से 10 लाख करोड़ रुपया, बस तू यही नहीं बता रहा। तो अगर तुझे हवा की बाती करनी है और तुझे मुंह जबानी जुबा खर्च करके देश की इकोनॉमी ठीक करनी है, तो यार मंच पे खड़े होकर महिला को 1 साल का 1,00,000 क्यों दे रहा है मेरे भाई, फिर सीधे 10 लाख दे देना, फिर वो कार भी खरीद लेगी गरीबी की रेखा से बाहर आकर, फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर लेगी, फिर वो गोवा भी घूम लेगी, फिर वो और महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेगी, फिर वो ज़मीन भी खरीद लेगी। तो अगर जबां खर्च कर ही रहा है इकोनॉमिक्स ठीक करने के लिए, तो उस गरीब महिला को 1,00,000 रुपए साल क्यों दे रहा है? अगर तू यार ये बता ही नहीं रहा है कि वो 1,00,000 रुपए साल 8 करोड़ गरीब, बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, 8 करोड़ गरीब महिलाओं को देने के लिए आएगा कहाँ से, अगर तू ये बताने को तैयार नहीं है, तो फिर 10-10 लाख बांट देना, इकोनॉमी और ठीक कर दे। और 1,00,000 रुपए हर साल एक महिला को देने के बाद वो गरीबी की रेखा से बाहर आ जाएगी, यानी 2025 में तू हर महिला को 850 रुपए, हर परिवार को, यादर वो महिला एक परिवार की है, 8,500 रुपए महीना उस परिवार को देगा। अगले वर्ष वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा, अबे उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, तू जब 2026 में उनको नहीं देगा क्योंकि वो गरीबी रेखा से बाहर आ गई होगी, तो पता नहीं उस घर का हाल क्या होगा। कहीं उसके घर वाले उस महिला से ये ना कहे, अब तू ही जा बाहर से कमा के ला। क्या तू बोलता है यार, तेरी क्या औकात है? तू एक सांसद है, एक अमेठी का हारा हुआ और वायनाड का जीता हुआ एक सांसद है, तो अपनी पार्टी तक का अध्यक्ष की कुर्सी को मेंटेन नहीं कर पाया। तुझे ये बात बोलनी चाहिए कि मैं भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से बहस करने को तैयार हूँ।
तुझे ये बोलना चाहिए मैं भाजपा के किसी भी सांसद से बहस करने को तैयार हूँ, मैं स्मृति ईरानी से बहस करने को तैयार हूँ, चलो यहाँ तक भी चल जाएगा। तू सीधे यार वहाँ पहुँच गया बब्बर शेर के पास बहस करने के लिए, सिर्फ अपनी औकात बढ़ाने के लिए और खुश ना करने के लिए। और हाँ, चलते चलते यार मैंने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी करी थी, आज से 7-8 दिन पहले मैंने भाई देखो किसी का नाम नहीं लिया था। अच्छा पहले ये सुन लो, अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं, दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ। लगता है मेरी भविष्यवाणी पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। तो यही था आज का वीडियो कि अपनी औकात देख, अपनी शक्ल देख, इतना ऊंचा ना थूक राहुल गांधी। तू एक सांसद है, सांसद के लेवल की बात कर, किसी सांसद से बहस करने की बात कर, उस आदमी से जाके ना उलझ। जो मुझे लगता है अगर 2024 से लेकर 29 के बीच में कहीं बीच में जो अगर पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेता है, वैसे ऊपर वाला उसको सेहत अच्छी दे 2029 का भी वो चुनाव लड़ाए, पर मान लेता हूँ, तो 2001 में जो सत्ता में आया था बिना गवर्नेंस के अनुभव के, बिना सभासद भी बने, बिना विधायक भी बने, बिना किसी बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष भी बने, जो 2001 में सत्ता में आया था वो लगभग अगर मान ले रिटायरमेंट लेता है 2027 या 28 में, यानी 27-28 साल बाद राजनीति से रिटायरमेंट लेके जाएगा, पर उसने अपने जीवन में हाउस में विपक्ष नहीं देखा होगा, ये एक दुनिया का अजूबा होगा। तो उस आदमी से बहस करने की बात कर रहा है यार, औकात भूलो पर इतनी ना भूलो। भैया जय हिंद, वंदे मातरम।